इस वक्त हम बाहरी दिल्ली के बादली इलाके के सिरसपुर गांव में हैं और यहां पर एक ही घर में चार लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, दरअसल इस बिल्डिंग का ये वो फ्लैट है जिसके अंदर पति पत्नी और दो बच्चों की डेड बॉडी मिली है। सुबह सुबह ये जानकारी मिली है परिवार वालों को, उसके बाद जो पुलिस टीम है आप देख पा रहे हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। इस कमरे के अंदर जो पति अमित है, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, उनकी लाश पंखे से लटकी मिली हुई है, जबकि जो उनकी पत्नी है 27 साल की नीति, वो बेड पर पड़ी हुई है, और दो बच्चे 6 साल की जो बेटी है वंशिका और 2 साल का बेटा है कार्तिक, वो सोफे और बेड पर पड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस टीम यहां पर जांच कर रही है। आसपास से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पति और पत्नी है उनके बीच काफ़ी विवाद चल रहा था पहले से, और ऐसी आशंका पुलिस जता रही है कि पहले पति ने जो पत्नी है और जो बच्चे हैं उनको जहर दिया है, उसके बाद खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। फिलहाल जो पुलिस है वो क्राइम सीन पर मौजूद है और जो पंचनामा है वो किया जा रहा है, डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है।